गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द रिमाइंडर थ्योरम। बाय रिमाइंडर थ्योरम वी कैन फाइंड आउट द रिमाइंडर इन द डिवीजन प्रोसेस विदाउट डिवाइडिंग। तो लेट अस सी व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम। इफ पी एक्स बी ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन ग्रेटर दैन वन, पी एक्स का जो डिग्री होना चाहिए या वन से बड़ा होना चाहिए, एंड ए बी ए रियल नंबर और ए कोई रियल नंबर है। नाउ व्हेन पी एक्स इज डिवाइडेड बाय अ पॉलीनोमियल एक्स माइनस ए, अगर जो है इस पी एक्स को जो है ये पॉलीनोमियल को जो है दूसरे पॉलीनोमियल एक्स माइनस ए से डिवाइड किया जाए, देन पी ए इज रिमाइंडर। इट मीन्स द रिमाइंडर शुड बी इन द पॉलीनोमियल ऑफ ए, यानी कॉन्स्टेंट है ना। ये जो है इफ ए पॉलीनोमियल पी एक्स इज डिवाइडेड इज ए पॉलीनोमियल विथ डिग्री एन इज ग्रेटर दैन वन और इक्वल टू वन एंड ए बी एन इज रियल नंबर, देन इफ px is divided by a polynomial x minus a, then pa will be remainder, yani remainder will be a constant. Proof: let px is divided by x minus a and we have gx as quotient. मान लिया कि px जो है polynomial को x minus a से divide किया जाता है और हमें gx जो है कोशियंट मिलता है एंड आर एक्स एज रिमाइंडर। ओके, नाउ डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। यू नो इट वेरी वेल कि डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो पॉलीनोमियल के केस में डिग्री इज लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, सो डिग्री ऑफ आर एक्स शुड बी लेस देन डिग्री ऑफ एक्स माइनस ए। That is, degree of Rx is less than 1. क्योंकि Rx जो है ये जो है Rx जो है Rx जो है ये जो है क्या है, कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, इसलिए Rx का डिग्री जो होना चाहिए 1 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि x माइनस a इक्वल टू जीरो, ये जो है x माइनस ए जो है ये इक्वल टू वन, डिग्री जो है x माइनस ए का वन है, लीनियर पॉलीनोमियल है, इसलिए आर एक्स का वैल्यू जो है एक से छोटा होना चाहिए। तो एक से छोटा होने का मतलब है कि आर एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो। ओके, दैट इज आर एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम मान सकते हैं आर, ठीक है। Thus, if px is divided by x minus a, we have gx and r such that px equal to x minus a into gx plus r. You know it very, this is fundamental theorem. Dividend barabar divisor into quotient plus remainder. You have been using this formula and from lower classes to test your division. So if you put x equal to a, agar x ka value hum a rakh dete hain, then this whole will be zero and pa will be simply r, yani jo remainder bachega wo purely jo hai constant bachega. So thus we can say that px is divided by, if px is divided by x minus a, then pa is its remainder. So what is use of remainder theorem? By using remainder theorem, without going through division process, we can find out remainder directly. This is the use of remainder theorem. And this is why it has got the name remainder theorem. By this theorem, you can find out the value of remainder without going through division
प्रोसेस। नाउ यू हैव गिवन px इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दिस इज ए पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर विदाउट एक्चुअल डिवीजन। बिना एक्चुअल डिवीजन का हमें रिमाइंडर निकालना है। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 इक्वल x बराबर माइनस 1 एंड पुट x इक्वल टू माइनस 1 इन दिस एक्सप्रेशन। माइनस 1 क्यूब प्लस 3 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 1। दिस विल बिकम माइनस 1, दिस विल बिकम प्लस 3, दिस विल बिकम माइनस 3 एंड प्लस 1। नाउ this cancel, this cancel and you get remainder 0. Yeah, remainder 0 बच गया, therefore यह जो है remainder आपका 0 हो गया, यही answer हुआ। उसी तरह से दूसरा question है, px has been given x cube plus 3x square plus 3x plus 1 and you have to divide it by x minus by x माइनस वन बाई टू, सॉरी एक्स माइनस वन बाई टू, इससे इसको डिवाइड किया जाता है। यू हैव टू फाइंड आउट द रिमाइंडर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई टू दिस 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 एंड यू विल गेट इक्वल टू 27 बाई 8 एंड दस यू हैव रिमाइंडर 27 बाई 8। क्वेश्चन नंबर थर्ड, px इतना है इसको x प्लस पाई से जो है डिवाइड किया जाता है। नाउ पुट x इक्वल टू माइनस पाई एंड यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन। ये माइनस पाई क्यूब हो जाएगा, ये प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस This is your remainder. ये remainder हो गया। Now same चीज है, ये polynomial दिया हुआ है x minus a से divide किया जा रहा है। You have to find out the remainder. Put the value of x equal to a. Then what do you get? a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 ए माइनस ए। ये a क्यूब, ये a स्क्वायर a क्यूब प्लस 6 ए माइनस 5। ये प्लस माइनस है कैंसिल हो गया एंड यू गेट 6 ए माइनस ए इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज समथिंग डिफरेंट बट यू हैव टू टेल द फैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फाइंडिंग रिमाइंडर। यू हैव टू चेक वेदर दिस इज फैक्टर ऑफ दिस और नॉट। यह जो है इसका फैक्टर है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। फैक्टर कब होता है? जबकि रिमाइंडर हमें 0 मिलता है। When any polynomial is divided by another and we get 0 as remainder, then we say that the divisor polynomial is factor of given polynomial. So you have to find out the remainder. If it is 0, then you can say this is factor of this. If this is not equal to 0, you can say this is not factor of this. So I have put x equal to minus 7 by 3 and you get
द रिजल्ट -490/9. सर्टेनली दिस इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज व्हाई इतना इज नॉट फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल. ये दिया हुआ है पॉलीनोमियल, दिस इज डिवाइडेड बाय जी एक्स. दिस पॉलीनोमियल यू हैव टू फाइंड आउट वेदर जी एक्स इज फैक्टर ऑफ दिस और नॉट. तो एज प्रीवियस वी शैल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर. तो पुट एक्स इक्वल टू -2/3 इन दिस पॉलीनोमियल and this is how you get remainder 0 and you can say that 3x+2 is factor of this polynomial. ये दो पॉलीनोमियल दिया हुआ है, ये है टू पॉलीनोमियल्स P1x = this एंड P2x = this. इन दिस वी हैव यूज ए. अनदर थिंग इज गिवन, दिस टू पॉलीनोमियल्स आर डिवाइडेड बाय this polynomial x-4 and what is the result? The result is that the remainder is same. If this polynomial is divided by this and this polynomial is divided by this, in both cases we have the same remainder. On the basis of this we have to find out the value of x. Okay. तो नाउ फाइंड आउट द P1 4 का वैल्यू हम लोग निकाले. पुट एक्स इक्वल टू 4 एंड दिस इज हाउ वी गेट 64A+45. दिस इज वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इफ दिस पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय x-4. सिमिलरली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ P2 4. पुट x equal to 4 in second polynomial and I have done it, and what is the result? Remainder is 108+8. Okay, now it has been given, ye diya hua hai P1 4 equal to P2 4, then equate the both remainders 64A+45 equal to 108+8, bring it here, this will become 63A, and take it this side, 108-45, you will get 63, and this is how A equal to, ye cancel ho gaya, A equal to 1. So in this given condition, we have found out the value of A equal to 1. Now you have given one polynomial and two divisors. आपको एक पॉलीनोमियल दिया हुआ है और दो डिवाइजर दिया हुआ है, ठीक है. ये पॉलीनोमियल आपका दिया हुआ है, अगर ये दिस पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाय दिस देन वी गेट रिमाइंडर 5. अगर इस पॉलीनोमियल से इसको डिवाइड करते हैं तो हमको रिमाइंडर 5 मिलता है, और अगर इसी पॉलीनोमियल को हम इससे डिवाइड करते हैं यानी x+1 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमें 19 मिलता है. सर्टेनली डिवाइजर अगर बदल जाता है तो रिमाइंडर भी बदल जाएगा.
इसमें ए और बी का जो है यूज किया गया है. आवर प्रॉब्लम इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द वैल्यू ऑफ पी वन एक्स. ये इसका वैल्यू जो है ये इससे अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होगा, हम निकालते हैं. ठीक है, निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है. पी वन यानी इसमें अगर एक्स का वैल्यू वन रखते हैं तो वी गेट एक्सप्रेशन लाइक दिस एंड ये रिमाइंडर हमारा हो गया टू माइनस ए प्लस बी एंड दिस हैज बीन गिवन टू माइनस ए प्लस बी इक्वल टू फाइव. यानी अगर इससे इसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा फाइव हुआ. और रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार हमने रिमाइंडर निकाला ये, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू टू माइनस ए प्लस बी इक्वल टू फाइव. ओके, एंड यू कैन राइट हियर माइनस ए प्लस बी इक्वल टू थ्री. दिस इज इक्वेशन नंबर वन. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इफ दिस इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन. तो पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड यू हैव एन एक्सप्रेशन लाइक दिस. दिस विल बी इक्वल टू वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस ए प्लस बी एंड यू कैन राइट हियर ये ए प्लस बी प्लस सिक्स. दिस इज द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर इफ दिस पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन. तो दिस इज हाउ यू कैन राइट फ्रॉम द गिवन. यू हैव गिवन इफ द पॉलीनोमियल इज डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन देन रिमाइंडर इज 19 एंड यू कैन राइट हियर ए प्लस बी प्लस सिक्स इक्वल टू 19 एंड दिस इज हाउ यू हैव ए प्लस बी इक्वल टू 13. दिस इज इक्वेशन वन टू. दिस इज इक्वेशन वन. नाउ यू कैन सॉल्व. ये जो है फ्रॉम वन एंड टू, ये दिस इज योर फर्स्ट रिलेशन माइनस ए प्लस बी इक्वल टू थ्री एंड दिस इज योर सेकेंड रिलेशन ए प्लस बी इक्वल टू 13. ये माइनस है, ये प्लस है, ये दोनों को ऐड कर दोगे, ये कैंसिल हो गया. टू बी इक्वल टू 16 एंड दिस इज हाउ यू हैव बी इक्वल टू 8. नाउ इफ बाय पुटिंग बी इक्वल टू 8 इन एनी इक्वेशन आइदर इन वन और ना आइदर इन वन और इन टू. I have put b equal to 8 in equation 1, then we have minus a plus b equal to 3, minus a equal to plus 8 plus equal to 3, minus a equal to, ये इधर गया तो minus 5 हो गया and this is how a equal to 5. So this is the value of a and b. अब उसी सवाल में a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू 8 रख करके हमको p2 का वैल्यू निकालना है कि p2 का वैल्यू ऑफ दैट पॉलीनोमियल फॉर 2. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस पॉलीनोमियल ओरिजिनल पॉलीनोमियल. Put in this polynomial a equal to 5 and b equal to 8. Then we have the polynomial x 4 minus 2x plus 3x square minus 5x plus 8. Okay. Now we have to find out the value of p2. Yani value of this polynomial for 2. So now put the value of ax equal to 2. We have 2 to the power 4 minus 2 into 2 to the power cube plus 3 into 2 to
the power square minus 5 into 2 plus 8. This will become 16. This will also 16. This will be 12 minus 10 plus 8. 16 cancel. 12 over 8. 20 minus 10. This is x p2 equal to 10. Thus, on the whole, we have the value of a equal to 5, b equal to 8, and value of the polynomial for x equal to 2 equal to 10. This is your answer. That's all. Thank you. I have done many problems. I have also done some problems for Maharaj Agarwal also. And now there is no rest problem in NCERT 2.3. So in homework I am giving you some problem from RS Agarwal, exercise 2C, question number 1 to 9. I have given this from your practice. That's all. Thank you.